नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड। क्या आपको पता है कि सरकार ने यूएई ने 12 कंट्रियों के ऊपर जो लगभग मोमडन कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उनको बैन करके रखा है। जी हाँ, हालांकि मोमडन कंट्री नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन वो है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। क्यों 12 कंट्रियों को बैन करके रखा है, लगभग 3 महीने के करीब हो गए, जिसमें पाकिस्तान अपने नियरेस्ट है, तुर्की वगैरह जो ऐसे कंट्री आप सबको बताइए, सबको बैन करके रखा है। जी हाँ, इंडिया को बैन क्यों नहीं किया, क्या रीजन हो सकता है? हालांकि विदेश नीति एक अलग है, डिप्लोमेटिक सिस्टम वो एक अलग है, लेकिन हम यहाँ पे अपने आंकड़ों के हिसाब से मेरी जो निजी सोच है वो मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया को बैन करने के अगर करती है यूएई सरकार, अगर कर देती उन 12 कंट्रियों में शामिल कर लेती तो यूएई को कितना नुकसान होता। जी हाँ साथियों, एक आंकड़ों के अनुसार मैं बता दूं, यूएई की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक आंकड़े जारी किए 2019 के 2020 में। जी हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जाने वाले इंडियन है। जी हाँ, और मेरा आंकड़ा जहां से निकल के आए, मैं आंकड़े भी शेयर करूंगा आपके साथ में, कौन से देशों के कितने लोग दुबई में पहुंचे हैं 2019 में और 2020 में। जी हाँ, और 2020 तो अभी गई है, कोरोना का माहौल, जो 8 महीने तो फ्लाइट ही बंद थी, उसके बावजूद की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 12 कंट्रियों को अगर आप मिला लो, एक साथ में कर लो, तो भी दुबई के बराबर, इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सकते हो। आप समझ लो कि वो 12 कंट्री अलग जिसको दुबई ने बैन करके रखा है, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, मैं बता दूं 2020 की अगर बात करें तो COVID-19 भयंकर तरीके से चल रहा था, आपको सबको पता ही है। उसमें भी मैं बता दूं अभी तक 26 मिलियन, जी हाँ 26 मिलियन लोगों ने एयरपोर्ट पे आना जाना किया, यानी क्रॉसिंग हुई है 26 मिलियन लोगों की टोटल 2020 में मैं बात करूं तो। हालांकि अगर 2019 से फिर भी 70% कम है, 2019 में अगर दुबई एयरपोर्ट की बात करें, यूएई एयरपोर्ट की बात करें, तो 87 मिलियन लोग, यानी 87 मिलियन लोगों ने 2019 में दुबई आना जाना किया था टूरिस्ट के तौर पर। आप समझ सकते हैं 87 मिलियन कितने होते हैं। जी हाँ, और 2020 में फिर भी 70% कम है, यानी टोटल मात्र 26 मिलियन लोगों ने आना जाना किया। 2019 में अगर बात करें दुबई के एयरपोर्ट की, तो दुनिया का चौथा एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट माना गया है दुबई का जो एयरपोर्ट है, दुनिया का चौथा एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ इतना व्यस्तम माना गया कि सबसे ज्यादा आना जाना यहाँ पे हुआ। पूरे वर्ल्ड में 200 से ऊपर कंट्रियां हैं, उसमें चौथा नंबर दुबई का है। जी हाँ, अगर आप हम बात करेंगे देशों की कि भी 2020 में अगर बात करें, 2020 में बात करें इंडिया की सुन लीजिए भाई, इंडिया के मैं बता दूं 4.3 मिलियन, यानी 43 लाख लोग दुबई गए और आए। आप समझ सकते हैं जी, 40 लाख से ऊपर आप समझ सकते हैं। इससे अगर बात करें यूके की बात करें तो 1.89, यानी आप कितना मिलियन, 1.89 आप मान सकते हैं, लगभग 19 लाख आदमी यूके के दुबई आए। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान की बात करें तो 1.68, यानी 19 लाख से भी कम है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान रहा है, 1.68 मिलियन, यानी 19 लाख 18.5 लाख के करीब पाकिस्तान के लोग दुबई आए थे। जी हाँ, सऊदी की बात करें तो सऊदी की मैं बता दूं 1.45, यानी 15 लाख आप आदमी मान सकते हैं, 15 लाख यात्री हैं जो दुबई एयरपोर्ट पे आए थे। जी हाँ, दुबई में घुसे थे। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा लंदन के आए भाई, लंदन जो शहर है वहां के 1.1 मिलियन, यानी लगभग आप सकते हैं 10 लाख से ऊपर। दुबई में अगर बॉम्बे की बात करें तो बता दूं लगभग 8 लाख के करीब बॉम्बे एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। उसके बाद में दिल्ली, 7,22,000 लोग दिल्ली से दुबई पहुंचे थे। जी हाँ, ये आंकड़े इसलिए बताएं कि भाई इंडिया नंबर 1 है दुबई जाने वालों की संख्या में, जितने भी पॉपुलेशन मैंने बताई है, ये लगभग 43 लाख आदमी 2020 में, वो भी कोरोना में। फ्लाइटें तो बंद थी, फ्लाइटें कहाँ चालू थी, आप सबको पता है कितनी फ्लाइटें थी, जनवरी फरवरी मार्च हाफ 15 के बाद 16-17 में बंद हो गई थी, और अभी चली है 3 महीने से, यानी लगभग 5-6 महीने में इतने बंदे पहुंचे हैं, ये समझ सकते हैं। अगर एक साल में होता तो ये आंकड़ा कितना लंबा जाता, मुझे लगता है 20 मिलियन क्रॉस कर देता, केवल इंडिया की बात करूं तो इंडिया से दुबई कितना कमाता है आप सबको पता ही है। इसका रीजन क्या भाई, इंडिया ये कोरोना काल में सबके एयरपोर्ट बंद थे, फ्लाइटें बंद थी, सिस्टम पूरा क्लोज था, उसके बावजूद भी दुबई में इतना हंगामा क्यों, लोग जाने को उतावले क्यों हो रहे? इसका रीजन सीधा है, छोटी कंट्री है, अच्छी वहां पे सुविधा अच्छी है, मैंने बात है कोविड को भी कंट्रोल था, सरलीकरण बहुत इजी है, एयरपोर्ट पे आसानी से आप निकल जाते हो, पूरी सुविधा मिलती है,
और इंडियन का गल्फ के साथ में अच्छा तालमेल है, इसलिए इस वजह से इंडियन लोग गल्फ जाना चाहते हैं। गल्फ में भी दुबई ज्यादा सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, वहां की सिस्टम ठीक है, वो कानून भी अच्छा है, लेबर लॉ अच्छा है, इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि भाई हम दुबई जाएं। और घूमने के पर्पज से भी बहुत अच्छी कंट्री है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि भाई हम दुबई जाएं, घूमें फिरें, सस्ता भी पड़ता है, इतना कोई महंगा नहीं है। बस ये कुछ रीजन थे मिला के, तो मैंने आपको बताया कि भाई दुबई में सबसे ज्यादा इंडियन लोग थे 2020 में कोरोना में, जिसमें 7 से 8 महीने तो फ्लाइटें बंद होने के बावजूद ये आंकड़े निकल के आए हैं। बस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।